शेल्टर होम में क्वारंटीन 80 लोगों को रवाना कर दिया गया है। ये क्वारंटीन हुए युवक जनपद के विभिन्न शेल्टर होम में रह रहे थे, जिनकी 14 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी। लॉकडाउन के दौरान ये लोग गैर जनपद या राज्यों से जनपद में प्रवेश किए गए थे, जिनको कोरोना वायरस से सुरक्षा के दृष्टिगत 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया था। शेल्टर होम से छोड़े गए लोगों को कुछ दिनों के राशन किट के साथ बसों द्वारा उनके घर भेज दिया गया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने बताया कि शेल्टर होम में रह रहे अन्य क्वारंटीन लोगों को निर्धारित अवधि पूरा करने के बाद छोड़ दिया गया। इन छोड़े गए युवकों को उनके राशन की व्यवस्था के साथ भेजा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जिन लोगों को इन आश्रय स्थलों में 14 दिन की जिनकी अवधि पूरी हो गई हो, तो उनको उनमें से रिलीज कर दिया जाए, अगर उनकी मेडिकल कंडीशन सही हो और वो इस जनपद के या फिर प्रदेश के रहने वाले हों। तो जनपद गोंडा में 396 ऐसे लोग थे जिनको शेल्टर होम्स में अस्थायी तौर पर रखा गया था। इसमें 218 लोग अन्य प्रदेशों के थे और बाकी जो हमारे 178 लोग थे वो या तो जनपद गोंडा के रहने वाले थे या फिर अन्य जनपद जो उत्तर प्रदेश के ही थे उनके रहने वाले थे। अभी तक 82 ऐसे लोग जो विभिन्न जनपदों के थे, जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, देवरिया, इन जनपदों से और कुछ स्थानीय लोग जो जनपद गोंडा के ही थे, उनको विगत 2 दिनों से रिलीज़ किया गया है। इन सभी लोगों का मेडिकल परीक्षण किया गया और इनको 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद रिलीज किया गया है। इस खबर में बस इतना ही।